टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली मेरे पास आ चुका है Realme का X। जी हाँ, आज यहाँ पर Realme ने Realme X और Realme X Lite दो स्मार्टफोन्स को जो वो लॉन्च कर दिया है। Realme जो X Lite है ना दोस्तों, ये वही सेम है जो हमें इंडिया में Realme 3 Pro के नाम से मिल रहा है। बात करेंगे Realme X की, तो ये आपको तीन अलग अलग वेरियंट में मिलता है। जो बेस वेरियंट है वो 464 वाला है, जिसकी प्राइस रखी गई है 15,500। मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं, मतलब 15,300 रुपए के आसपास है। उसके अलावा 664 मिलता है जो कुछ 16,300 के आसपास है, और एक 8128 वाला भी वेरिएंट मिलता है जो कुछ 18,000 रुपए के आसपास है। तो प्राइस वैसे काफी एग्रेसिव है, और ये जो फोन है दोस्तों, इसमें काफी सारे अच्छे फीचर्स मिलते हैं कंसीडरिंग द प्राइस, और बहुत ही जल्दी हमें इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। इसका एक स्पेशल एडिशन भी है जो कुछ 8128 GB के साथ में आता है, वो बहुत ही प्रीमियम तरीके का आपको दिखता है। तो ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं इस वीडियो में आप लोग को Realme X की सारी जानकारी यहां पे दे देता हूं। यहां पे दोस्तों बॉक्स देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिल रहा है, एकदम टिपिकल Realme स्टाइल आपको बॉक्स मिल रहा है, क्योंकि Realme U1, Realme 3, Realme 3 Pro के सबके बॉक्स वैसे ही मिल रहे हैं आपको। और यहां पे देखेंगे बड़ा सा X बीच में लिखा गया है, और पीछे की तरफ देखेंगे तो यहां पर एक्चुअली में ये एक चाइनीज में सब कुछ लिखा है, तो ये चाइनीज वेरिएंट है, डोंट वरी, इंडिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यहां पे इसको ओपन करते हैं, उससे पहले मैं आपको इसके स्पेक्स बता देता हूं। इसमें आपको 6.53 इंच की एक फुल HD प्लस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है। जी हां, इस प्राइस में आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिल रही है, और साथ में कोई नॉच नहीं, कोई बेजल्स नहीं मिलता है, फुल व्यू डिस्प्ले मिल रही है। साथ में दोस्तों 91.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल रहा है, जो बहुत इंप्रेसिव है कंसीडरिंग दोस्तों जो प्राइस इसकी रखी गई है, उस हिसाब से डिस्प्ले बहुत इंप्रेसिव है। और साथ में दोस्तों आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल यहां पर दोस्तों डिस्प्ले के मामले में कोई शक नहीं है, बहुत ही कमाल की आपको यहां पर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहां पे दोस्तों Qualcomm Snapdragon 710 वाला आपको प्रोसेसर मिल रहा है, ये वही सेम प्रोसेसर है जो हमें इंडिया में Realme 3 Pro में देखने को मिल रहा है। अब बात ये है दोस्तों कि जो फीचर्स इसमें एडिशनली आपको मिल रहे हैं उसके हिसाब से ठीक है, क्योंकि जो प्राइस रखी गई है वो बहुत ही एग्रेसिव रखी गई है। तो Snapdragon 710 भी काफी अच्छा प्रोसेसर है, आपको 10 nm पर मिलता है, और बहुत सारे आप इसमें अच्छे गेम्स PUBG वगैरह भी अच्छे तरीके से यहां पर खेल सकते हैं। कैमरे की बात करें तो यहां पर आप लोगों को 48+5 MP का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिल रहा है। जो प्राइमरी कैमरा है 48 MP का, उसमें आपको Sony IMX586 वाला सेंसर मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। F1.7 का आपको अपर्चर मिलता है, साथ में आपको नाइटस्केप क्रोमा बूस्ट वगैरह मिल रहा है। 960fps पे आप स्लो मोशन भी निकाल सकते हैं, और 4K वीडियो भी आपको यहां पर शूट करने मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 5 MP का, वो डेप्थ के लिए आपको हेल्प करता है। सेल्फी की बात करें तो दोस्तों आपको पॉप आउट सेल्फी कैमरा इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि 16 MP की है, और साथ में आपको Sony IMX471 वाला इसमें सेंसर देखने को मिलता है। अब मेरे हिसाब से ये जो सेंसर है ना, वो वही सेम है जो OnePlus 7 Pro में आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों 0.74 सेकंड के अंदर ये बाहर आ जाता है, और उतना जल्दी ये अंदर भी चला जाता है, तो काफी इंप्रेसिव है। आपको 16 MP की पॉप आउट सेल्फी भी इसमें देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करें दोस्तों, तो आपको यहां पर 3765 mAh की जो वो बैटरी मिल जाती है, और साथ में आपको वूक वर्जन 3.0 के चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में मिलता है। फास्ट चार्जर भी बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसको फास्ट चार्ज भी यहां पर कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इसके कुछ कंप्लीट स्पेक्स, और फटाफट से यहां पे अभी बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे आपको क्या मिलता है। तो ये ऑब्वियसली आपको एक बैक केस मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन ये चाइनीज में फिलहाल के लिए, और क्या बात है, ठीक है। तो इस बार यहां पर आप देखेंगे बहुत ही कमाल का आपको बैक केस मिल रहा है, थोड़ा सा हार्ड है इस तरीके का आप देखेंगे, और थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर उन्होंने देने की कोशिश करी है। और ये देखेंगे, इसको निकाल देता हूं, तो अच्छे तरीके से आपको एकदम हार्ड बैक केस प्रोवाइड किया गया है। और यहां पर दोस्तों आते हैं हमारे रियलमी एक्स की तरफ, और ये देखेंगे मस्त आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, और देखेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर इन डिस्प्ले आपको मिल रहा है, तो कुछ इस तरीके का है। इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं आपको और बॉक्स में क्या कुछ खास मिलता है। और ये देखेंगे दोस्तों आपको एक 20W का वूक चार्जर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था 5V 4A के ऊपर देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का है। और यहां पर दोस्तों अगर मैं केबल की बात करता हूं, तो फाइनली जी हां, हम सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर आप देखेंगे टाइप सी केबल आपको यहां पर मिल रहा है। जी हां, टाइप सी पोर्ट जो आपको इस फोन में मिल जाता है, तो बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है, चलो एटलीस्ट यहां पर Realme ने इस बार प्रोवाइड किया है। तो ये है दोस्तों बॉक्स कंटेंट, और फटाफट से हम आते हैं हमारे फोन की तरफ। तो यहां पर दोस्तों हमने जो फोन को बूट कर दिया है, और आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। और यहां पर दोस्तों सबसे पहले अगर मैं इसके डिजाइन की बात करता हूं, तो पीछे की तरफ देखेंगे आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन मिलती है, एकदम से ग्रेडिएंट आपको बैक मिलता है, और जो एक व्हाइट कलर टाइप भी आपको मिलता है वो बहुत ही कमाल का है। एक्चुअली उसका मुझे एक्चुअल नाम नहीं पता है, लेकिन वो बहुत ही प्रीमियम लगता है, काफी बढ़िया लगता है, अगर वो मिलता है तो वो बहुत ही बेटर होगा। ये आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। और यहां पर दोस्तों ये आपको एक पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है। जी हां, ये अभी भी ग्लास नहीं है, ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, लेकिन चलो ठीक है, आपको एक कर्व्ड एजेस इस तरीके कुछ देखने को मिलते हैं, वैसे काफी प्रीमियम लगता है, और फील तो ग्लास जैसा ही होता है, क्योंकि फिनिशिंग आपको उन्होंने कुछ इस तरीके की दी है। तो आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का ये मिलता है। यहां पे दोस्तों फिजिकल और की बात करें, तो राइट में देखेंगे आपको पावर बटन देखने को मिलता है, और इसके ऊपर आप देखेंगे आपको हल्का सा गोल्ड फिनिशिंग यहां पर जो दिया गया, डिजाइन कुछ इस तरीके की दी गई
चाहिए ताकि वो डिफरेंशिएट हो, जो काफी अच्छा लग रहा है। और ऊपर की तरफ दोस्तों आपको सिम ट्री मिलता है, लेकिन यहां पर अभी सिर्फ आपको दो सिम स्लॉट मिल रहा है, आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है। और वो मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर सिर्फ यही दिखा जब मैंने इसको निकाला था। हो सकता है चाइना में ऐसा हो, लेकिन इंडिया में हमें जो वेरिएंट मिलेगा उसमें शायद से आपको ट्रिपल स्लॉट जो वो देखने को मिल सकता है। नीचे 3.5 mm ऑडियो जैक मिल रही है, आपको माइक होल है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, आपको स्पीकर आउटपुट है, और यहां पर आपको ऑब्वियसली डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है। लेफ्ट में देखेंगे वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है, और आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी माइक होल मिल रहा है, और ऑब्वियसली आपको पॉप आउट यहां पर से वो सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे हमने फोन को जो वो ऑन कर दिया, आप देखेंगे बहुत ही कमाल का आपको यहां पर जो डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एक एमोलेड डिस्प्ले है। और सबसे पहले अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं और एंड्रॉइड वर्जन की बात करते हैं, तो इसमें आपको कलर ओएस 6 मिल रहा है, आप देखेंगे एंड्रॉइड 9 पाई के साथ में मिल रहा है, तो कुछ इस तरीके का है, और वही टिपिकल कलर ओएस 6 वाले फीचर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर भी टेस्ट करके वो भी आपको यहां पर अभी बता देता हूं। तो यहां पर दोस्तों हमने फिंगरप्रिंट स्कैनर को सेट कर लिया, और आपको मैं टेस्ट करके बता देता हूं। ये देखेंगे यहां पर टच करता हूं, और आप देखेंगे बहुत ही फास्ट है, काफी इंप्रेसिव है, आप देखेंगे फिर से एक बार दिखाता हूं, क्या बात है बहुत ही फास्ट है। तो उन्होंने यहां पर अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर का इस्तेमाल किया है, ये देखेंगे फिर से दिखा देते हैं एक बार, अच्छा लग रहा है, काफी फास्ट है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहां पर मिलता है, फेस अनलॉक भी मिल जाता है, उसका भी आप यहां पर फायदा उठा सकते हैं, जो पॉप आउट के जरिए मिलेगा। और आप देखेंगे इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, वैसे अभी ये चाइनीज वेरिएंट है तो मैं ज्यादा इसमें आपको नहीं बताऊंगा। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरे की, और वैसे इस पर हम बहुत सारे वीडियोस फ्यूचर में बनाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखेंगे आपको मैं यहां पर कैमरा दिखा देता हूं जो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। और यहां पर आप देखेंगे नाइट स्केप वगैरह जो मैंने बताया था वो सारे फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूं, जो कुछ इस तरीके की आपको क्वालिटी मिल रही है, वैसे काफी बढ़िया आपको कैमरा देखने को मिलता है। ऑब्वियसली सोनी IMX586 वाला आपको सेंसर मिल रहा है, नो डाउट कैमरे की क्वालिटी आपको काफी बढ़िया मिलती है, सब कुछ आपको यहां पर काफी अच्छा मिल जाता है। इस पे डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू में दोस्तों फ्यूचर में करने वाला हूं, आप जरूर से उसके लिए जो वो स्टे ट्यून करना। सेल्फी की बात करें दोस्तों तो आपको यहां पर सेल्फी भी वैसे काफी अच्छी मिल जाती है, 16 MP वाली सोनी IMX471 वाला सेंसर है जो काफी अच्छी सेल्फी यहां पर आपको क्लिक करके दे रहा है। और बहुत सारी चीजें फ्यूचर में हम इस फोन से करेंगे, तो आप जरूर से उसके लिए जो वो स्टे ट्यून करना। तो ये था दोस्तों मेरा अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन रियलमी एक्स का। मैं एक ही चीज कहता हूं दोस्तों जाते जाते कि ये जो फोन है प्राइस जो है वो बहुत ही अग्रेसिव रखी गई है, और अगर यही सेम प्राइस इंडिया में आती है दोस्तों तो ये फोन बहुत ही कमाल करेगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो वो देखने को मिल रही है और बहुत सारी चीजें उन्होंने इंप्रूव करी है जो मुझे वैसे काफी यहां पर पसंद आया। आपका क्या ख्याल है दोस्तों रियलमी एक्स के बारे में, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस प्राइस में ये इंडिया में आना चाहिए, वो आप मुझे जरूर से नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे ग्लोबल में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज keep smiling।